यार मेरी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, अभी फौरन नहीं आ सकता। यार जिस प्रोजेक्ट के लिए इतने अरसे से हम इंतजार कर रहे हैं वो दोबारा पेंडिंग हो जाएगा यार। I know. बिकॉज़ ना सोच लो, फैमिली के इश्यूज तो चलते रहते हैं, बच्चों की तालीम भी हो जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर तुमने इस प्रोजेक्ट में गफलत दिखाई तो नुकसान हो जाएगा यार। I'll keep that in mind. Yeah, thanks for everything you're doing for me. I owe you big time, man. Take care. Bye. Allah Hafiz. नमाज का वक्त हो गया है। अरे मौला मुझे, आप तहज्जुद के वक्त जाग रहे? नींद नहीं आ रही। हाँ जिन माँ बाप की बेटियां तकलीफ से गुजर रही हो ना, उन्हें कहाँ नींद आती है बताए? मैंने बड़ी ज्यादती की है सफीना के साथ। क्या सफीना? सफीना की अचानक से याद कैसे आ गई आपको? अब्बा ने मरने से पहले बार बार कहा था, बार बार कहा था कि बहन का ख्याल रखना, यही मुझे याद नहीं रहा। ये अचानक से आपको इतनी रात गए, बहन की याद का दौरा क्यों पड़ गया है? बेटी की कोई फिक्र नहीं आपको? सफीना भी तो किसी की बेटी थी, इकलौती बेटी। माँ बाप के मरने के बाद हम लोगों ने क्या किया उसके साथ? देखिए अब ये पुराने रोने रोने का कौन सा वक्त है ये बताया मुझे। अल्लाह निकाह देता है हर चीज साफ साफ। अब क्या दिखा दिया अल्लाह ने आपको? आज हम दोनों ना रहे और हैदर कुकी के साथ वो करे जो हम दोनों ने सफीना के साथ किया। खुदा ना करे मेरी कुकी के साथ कुछ ऐसा हो। क्या बातें कर रहे हैं आप? तकलीफ हुई ना अपनी बारी पर, अपनी बेटी के लिए और दूसरे की बेटी। मैंने ऐसा क्या किया जिस पे अल्लाह मुझे कोई सजा दे? चलो अल्लाह से ये दुआ मांगो कि हैदर और फरिया कुकी के साथ वो न करें जो हमने सफीना के साथ किया। नहीं, हैदर कभी भी। अरे वो मेरा बेटा है, वो वही करेगा जो उसने मुझे करते देखा। हेलो, मैं क्या करूं? ऐसा क्या करूं कुकी के साथ? मैं जा रही हूँ वजू करना है, मुझे नमाज भी पढ़नी है। आप रोते रहे अपनी बहन की याद लिए। जुल्म हुआ है